अकील, बस एक ही दिन की तो बात है, मैं तुम्हें फौरन कंप्लीट करके लौटा दूंगा तुम्हारी नोटबुक। नहीं तैयब, तुम मुझसे कल ले जाना नोट, क्योंकि अभी तो मेरा भी कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है अकील, लेकिन प्लीज कल तुम मुझे बुक देना। हाँ हाँ हा, जरूर तैयब, कल मिलेंगे, अलविदा। ठीक है। अकील कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सरफराज, मुझे दरअसल नोट्स कंप्लीट करना था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे प्लीज? लेकिन सरफराज मुझे भी लिखना है, थोड़ा लिखना बाकी है। वो तुम कल लिख लेना, आज मैं उतना कर लेता हूँ जितना तुमने कर चुके हो। ठीक है, तुम पहली बार मुझसे मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ बुक, लेकिन याद से कल लौटा देना वरना मेरा वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा, हमें परसों सबमिट करना है। कल पक्का। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल बारी, नवेद रुको, तुम कहाँ रह गए थे सरफराज? हमने तुम्हें ढूंढे भी लेकिन तुम नहीं मिले। मुझे दरअसल किताबें चाहिए थे, मैंने नोट्स नहीं लिखा अब तक। हाँ मुझे याद है, तुम और नवेद उस दिन एब्सेंट थे स्कूल में। हाँ मैंने बड़ी मुश्किल से ये बुक अकेले से लिया हूँ। तुमने अपनी बुक जो पहले ही सबमिट कर दिए, वरना दूसरों से लेने की जरूरत नहीं होती मुझे। तुम दोनों ने मुझे बोले ही नहीं, वरना मैं परसों ही सबमिट करता। ठीक है दोस्तों, मेरा घर आ गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज तुम ये बुक मुझे दे दो प्लीज, मैं जल्दी ही शाम तक कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम भी कंप्लीट कर लेना प्लीज। लेकिन नवेद वो मैंने भी दूसरे से लिया हूँ। दे दो ना प्लीज। ठीक है ये ले लो, लेकिन नवेद याद से मुझे दोपहर बाद दे देना, वरना मैं भी लिख नहीं पाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो सरफराज, लोग आजकल अपनी जबान के कच्चे होते हैं, लेकिन मैं बहुत पक्का हूँ, मैं दूसरों की तरह थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा मैं कुछ देर सरफराज के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है अब्दुल बारी, क्या अम्मी से इजाज़त लिए? जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, चलो कुछ देर खेलते हैं। नवेद नहीं आए? कैसे खेलूं अब्दुल बारी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? वो क्यों सरफराज? तुम्हें तो पता है ना, मैंने अकील से बड़ी मुश्किल से बुक लिया था। तो क्या तुमने कंप्लीट नहीं किए? मैंने नवेद को पहले दे दिया। क्या तुमने नवेद को दे दिए अकील से बगैर पूछे? हाँ मुझे पता है मैंने गलती कर दिया, किसी का सामान जो उसने मुझे दिया था वो मैंने दूसरे को दे दिया। ये बहुत बुरी आदत है। खैर तो अब क्यों परेशान हो? नवेद अब तक मुझे बुक लौटाने नहीं आए। तो नवेद के घर जाकर ले लेते हैं बुक। मैं पहले ही गया नवेद के घर, लेकिन वो वहाँ नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगा, सब गड़बड़ हो गया। ये हमेशा की आदत हो गई है, हर वक्त गैर जिम्मेदार बने रहना, अपनी जबान की पासदारी ना करना, दूसरों की चीज तीसरे को दे देना। तुम दोनों ही ने गलती किए हो, इससे हमारे मामलात बिगड़ते हैं। सही कहते हो तुम अब्दुल बारी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? जाओ दोबारा नवेद के घर जाकर देखो और कुछ देर इंतजार करो, या फिर उनके वालिदैन को फोन करके पूछो, नवेद आ चुके होंगे। ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ, अब मैं पहले घर जाता हूँ, अम्मी इंतजार में होंगे। अच्छा सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखे आप सभी ने कि किसी को जब कोई कमिटमेंट करते हैं और अपने दिए हुए वक्त पर उसे पूरा नहीं करते हैं तो कई लोगों का नुकसान होता है। कुरान में मोमिनों की सिफत बताते हुए अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि वो मतलब मोमिनून अपनी अमानतों और अपने अहद का लिहाज रखते हैं, यानी कही हुई बात को पूरा करते हैं, भरोसा नहीं तोड़ते। तो जब कभी हम किसी को कुछ लौटाने का वक्त बताए तो बताए हुए वक्त पर लौटा दे, और जब कोई अमानत हमें दिया जाए यानी हम पर भरोसा किया जाए तो बगैर असल मालिक की इजाज़त से हम उस सामान को किसी तीसरे को ना दे दे और ना ही खुद इस्तेमाल करे, भले ही अच्छी नीयत हो हमारी, वरना ये तो अमानत में खयानत सा होगा। खैर अगले एपिसोड में तैयब आकिब सरफराज और नवीद के बीच क्या होता है देखेंगे, क्या वो लोग अपने नोट्स को पूरा करने में कामयाब होते हैं। एक और अहम बात आपसे कहना है कि आप अगर हमारे इन एनिमेशन को पसंद करते हैं
तो इन्हें बनते रहने में हमारी मदद करें। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम।